स्मार्टफोन, मोस्ट अफोर्डेबल बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन फ्रॉम पावरफुल प्रोसेसर, गेमिंग कर सकते हो उसमें, बिग स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन, क्लीन यूआई, ये सारी चीजें 699 में। वेट वेट वेट, ऑफर लगा के इसे आप सिर्फ 4,299 रुपीस में बाय कर सकते हो। जनता टेस्ट करना बनता तो करना, मजा आएगा। पिछले कुछ टाइम में मोटरोला स्मार्टफोन मार्केट को किल कर रहा है, बोले तो आग लगा दी। लेट्स सी एंट्री लेवल सेगमेंट में ये किल कर पाता है या नहीं। फोन का नाम है मोटो E30। खुल जा सिम सिम, स्लिम, लाइट, स्टाइलिश। अच्छा जी, ओके, सो ये रहा फोन। बॉक्स में और क्या है? ये पुस्तके जो सिर्फ हवा खाने के काम आता है, कोई पढ़ता तो है नहीं। ये यंत्र, फिर नोकीला है, देखो YouTube पे आप 720p पे वीडियो देख सकते हो मैक्स। अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी देखते हैं, देखो भाई IPS LCD पैनल से कलर्स अच्छे मिलते हैं यार। मूवीज वीडियोस देखने पे अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहा है, कलर्स अच्छे दिख रहे हैं। देखो फिल्में देखने का एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाएगा क्योंकि डिस्प्ले काफी बड़ा है। बाकी बेजल्स देखोगे तो ऊपर और साइड में आपको थोड़े से बेजल्स मिल जाएंगे एवरेज, और नीचे चिन की साइड में आपको एवरेज से थोड़े से ज्यादा बेजल्स मिल जाएंगे। वैसे आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए होता है ना, कई बार आपको बहुत ज्यादा डिस्प्ले में देखने से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नोटिफिकेशन से स्लाइड करोगे तो आपको इसमें नाइट लाइट मोड भी दे रखा है, ये देखो आपकी प्यारी प्यारी काली काली आंखों की सुरक्षा के लिए। एक बार ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं, कितने निट्स की है आई डोंट नो, बट ये लोएस्ट है देखो, और देखते हैं ये 50% निट परसेंट करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। तो 100% ब्राइटनेस करने पे डिस्प्ले इज ब्राइट इनफ। फोन की थिकनेस 8.47 mm है, फोन स्लिम है, वेट चेक करते हैं 177 ग्राम, और लाइट वेट भी फील होता है। नीचे की साइड में माइक है, टाइप सी है, और स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है। राइट हैंड साइड में ये पावर बटन और वॉल्यूम बटन, ऊपर की साइड में 3.5 mm जैक गड्ढा है, और ये देखो इसमें डॉल्बी एटमॉस है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है बट सिक्योरिटी के लिए इसमें, इसमें आपको फेस अनलॉक दिया गया है। एक बार फेस अनलॉक टेस्ट कर लेते हैं, ये देखो, ओहो फास्ट है यार ये देखो, मतलब ऐसे लाइक पावर बटन दबाओ और अनलॉक हो जाता है, ये देखो इट इज फास्ट। स्पीकर टेस्ट, सिंगल स्पीकर है, साउंड लाउड है, कोई इशू नहीं आएगा। पीछे की साइड में 13 megapixel AI कैमरा है, फ्रंट में 5 megapixel सेल्फी। आओ कुछ लेके देखते हैं। एक इनकी फोटो लेते हैं, ये एक, और एक आयरन मैन की लेते हैं, एक क्लोजअप शॉट पोर्ट्रेट कैमरे से। ओके ये देखो पिक्चर, ओहो पिक्चर तो शार्प आई है यार 13 megapixel कैमरे के हिसाब से। नाइस इट्स, ये देखो भाई शार्प है पिक्चर तो। नॉर्मल मोड में यहाँ पे कलर्स अच्छे दिए हैं यार, ये देखो एकदम शार्प डिटेल तो एक्सपेक्ट मत करो, बट डिटेल्स इनफ है देखो अगर देखे तो यहाँ पर। और एक ये हमारी फोटो, ये देखो, और यहाँ पर अगर हम जूम करें देखो, पहले तो देखो डोले शोले, डिटेल्स थोड़े से और बेटर हो सकते थे बट ठीक है, इनफ डिटेल है, इतना जूम करे कौन देख रहा है। स्किन को यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे ब्राइट कर दिया गया है, ओवरऑल फोटो कहूंगा डिसेंट निकल के आते हैं। एक ये फोटो देखो यार, ये काफी अच्छा है यार, ये देखो हमारे फ्लैग तिरंगा जय हिंद। और एक ये फोटो देखो, यहाँ पे देखो क्या मस्त कलर दिया भाई साहब। और एक ये मनी प्लांट पैसों की फोटो देखो, इसको लगाने से पैसे आते हैं, ऐसा हमें बचपन में बताया जाता था, लेकिन जब बड़े हुए तब हमें पता चला पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बेकार यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सेल्फी ले लेते हैं, ये देखो हैंड वाली फीचर भी इसमें, मतलब ऐसा हाथ लगाओ सेल्फी ले लोगे। यहाँ से ब्लर आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ओके तो ये है सेल्फी, सेल्फी डिसेंट है, 5 megapixel के हिसाब से डिटेल इनफ है देखो। और देखिए आउटडोर सेल्फी है, और सेल्फी ये देखो मुझे दिखा दे रहा भाई साहब, सेल्फी डिसेंट है। ओवरऑल जो कैमरा निकल गया है डिसेंट है। देखो अगर हम प्राइस को कंसीडर करें, जो इसकी प्राइस है 7,000 रुपए के आसपास, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो सेल्फीज और फोटोज निकल के आते हैं रियर कैमरे से, एंट्री लेवल के हिसाब से कैमरा देखा जाए तो ठीक है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉक 3606 दे रखा है, 12 nm प्रोसेसर है। और सच बताऊं जब मैंने इस प्रोसेसर को टेस्ट किया एंटीटू और बेंचमार्क, मेरा रिएक्शन ये था। एंड्रॉइड स्कोर देखो उसका 181,000 प्लस निकल के आया है। मैंने अंडर 10K में बहुत सारे स्मार्टफोन देखे, उनके स्कोर 1,00,000 भी नहीं पहुंच पाते, स्पेशली 7,000-8,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, लेकिन इसका स्कोर 181,000 निकल के आया है। दिस इज सही में मुझे शॉक कर दिया। और ये देखो यार थर्मल भी कंट्रोल है, पूरा ग्रीन ग्रीन ग्राफ है 15 मिनट के थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट में, ये देखो पूरा ग्रीन ग्राफ निकल गया है। सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज 91% निकल के आया है, इसलिए बता रहा हूं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा थ्रॉटल और एंड्रॉइड स्कोर। बट कहते हैं ना असली पता तो खेल के ही आता है। ओके तो भाई साहब गेम चल गया है, अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं, ग्राफिक्स पे गए, ओह स्मूथ बैलेंस
HD में गेम कर सकते हो, मजा आएगा। HD और हाई पे खेलते हैं। Excited for Piro gameplay? यही तो चाहिए था वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप एक चीज भूल रहे हो, नीचे वो लाइक बटन दिख रहा है, फीका फीका लग रहा है यार, दबाओ नीला हो जाएगा। ओ भाई साहब, तो ग्राफिक्स अच्छे हैं, क्या बात है, एक्सपेक्ट नहीं किया था यार ऐसे ग्राफिक्स मिलेंगे इस फोन में। Where are you guys? Piro Mano Saru is here. अच्छा। ओ भाई कहाँ से मार रहा, भाई 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 भाई, भाई। यार एक दो को मारनी पड़ेगी, बेइज्जती हो रही है। एक दो प्लेयर को तो मारने पड़ेंगे, बेइज्जती हो जाएगी वरना। एक ए डब्ल्यू एम से मारेगा, चलो बहुत हो गया। पट देनी हेडशॉट, ओ पट देनी हेडशॉट, पट देनी हेडशॉट, अबे बम से ओके। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स अच्छे हैं यार, हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं, यस डेफिनेटली एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन उसके हिसाब से, पर ऐसा कोई लैग अभी तक नोटिस नहीं हुआ। ओ हो भाई यार, गेम खेलने फोन में मजा आ गया, परफॉर्मेंस मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सॉलिड लगी यार। देखो यार, आप इसे ना 15-20 हज़ार वाले स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस से कंपेयर मत करना, उसमें एक अलग परफॉर्मेंस होती है। अगर आप इसे अंडर 10K वाले स्मार्टफोन से कंपेयर करते हो, 8,000 रुपए के हिसाब से जो परफॉर्मेंस इस फोन में मिलते हैं वो काफी सॉलिड है यार। फोन आपको दो रैम वेरिएंट में मिलेगा, 2GB और 64GB और 4GB 64GB। इसमें LPDDR4X रैम है। एक बार मल्टीटास्किंग चेक कर लेते हैं, ये देखो सारे ऐप्स क्लोज है। एक बार क्रोम ओपन करते हैं, ये फास्ट ओपन हो रहा है। कैमरा ओपन कर लेते हैं, ये देखो ये भी फास्ट है। ओके मैसेज ओके, डुओ ओके, प्ले स्टोर ठीक है, मल्टीटास्किंग फोन का सही है, ये देखो सारे ऐप्स आ जाते हैं। बाकी 5000 एमएएच में बैटरी है और विद न्यू बैटरी सेल टेक्नोलॉजी जो आपको 42 डेज का स्टैंड बाय टाइम देगा, आपको इजीली 2 डेज का बैटरी लाइफ दे देगा मीडियम और हैवी यूसेज में, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिल जाएगी। बाकी अगर हम सेटिंग पे जाते हैं, ये गए सेटिंग पे और नीचे आते हैं अबाउट पे गए, सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, एंड्रॉइड 13 यहाँ पर आपको दे रखा है, ये गो वर्जन है। एंड सबसे बड़ी बात, एक क्लीन यूआई एक्सपीरियंस है। हाँ एक दो ब्लॉटवेयर है जैसे ये एडिडास, बाकी ओहो एफएम रेडियो भी है ये देखो। इसके अलावा फोन में IP52 वाटर रिपेलेंट डिजाइन है, डुअल बैंड वाईफाई है, 2x2 मीमो है। 2GB 64GB वेरिएंट की प्राइस है 6999 और 4GB 64GB की प्राइस है 7999। ऑफर्स की बात करते हैं, इसमें आपको 700 रुपीज का कैशबैक ऑफर मिलेगा जैसे आप इस फोन को बाय करते हो, इसमें जियो सिम यूज करते हो, विदिन 15 डेज ऑफ परचेसिंग। इसका नेट इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी 6299 2GB के लिए और 7299 4GB के लिए। जियो एडिशनल ऑफर्स भी इस फोन के साथ, 40 कैशबैक है वर्थ ₹50, मतलब टोटल 2000 रुपए का अगर आप 419 वाला प्लान बाय करते हो, जिसका नेट इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी 4299 फॉर 2GB वेरिएंट एंड 5299 फॉर 4GB वेरिएंट। इसके साथ 500 इसका मिंत्रा वाउचर भी है। सच बताओ मुझे लगा था कि मोटोरोला इस फोन को 9-10 हज़ार रुपए में लॉन्च करेगा, लेकिन जो इसके बेस वेरिएंट की प्राइस है 6999, ऐसा मजा आ गया। जियो एडिशनल ऑफर, कैशबैक ऑफर लगाते हैं, उसके बाद जो ये प्राइस निकल के 4299, ये जो प्राइस है इस फोन को एक वैल्यू फॉर मनी एंट्री लेवल स्मार्टफोन बना देता है। और इनका जो टैगलाइन है अटके नहीं हटके, उस टैगलाइन को जस्टिफाई करता है इस फोन का परफॉर्मेंस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वैसे आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट में जरूर बताना और फैला देना। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।